आजा बेटा ये चीज़ जो भी आप लोगों ने अच्छी की है, मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। इससे एक तो बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ेगा, बच्चों के अंदर एक ये भावना रहेगी कि हाँ आगे हम भी पढ़े, हम भी बहुत अच्छा करें ताकि हमें भी कुछ प्राइजेस मिले। बच्चों को अच्छी लगती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें मिले कॉन्फिडेंस आती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने जो ये शुरुआत की है बहुत ही अच्छी पहल की है आप लोगों ने। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, योर टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच। ये बात हम देख रहे थे कि स्कूल के अंदर सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, बच्चों तक पहुँचती है? हाँ जी, जरूर पहुँचती है। हम उन्हें स्टेशनरीज प्रोवाइड करते हैं, उनको बुक्स कॉपी सब कुछ वितरण किया जाता है, उसके अलावा उनको ड्रेसेस के लिए पैसे मिलते हैं, प्लस स्कॉलरशिप के लिए उनको, जो बच्चे बहुत अच्छी उनकी अटेंडेंस होती है, आते हैं डेली स्कूल में आते हैं, उनके मार्क्स उनके स्कोर्स अच्छे होते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, फंड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो पूरी तरह से सारी सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराई जाती है। आपकी तरफ से क्या विचार है बच्चों के लिए, कई लोगों की योजना बननी चाहिए, बच्चों को आगे प्रेरणा मिले, कॉन्फिडेंस मिले? मुझे बस यही कहना है कि हम लोग जागरूक तो हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है, सरकार पूरी हेल्प कर रही है, टीचर्स अपने पूरी 100% दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स के मन में नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं आ पाते। ये पेरेंट्स को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, पूरे देश में लोगों को मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम सब एकजुट होके। अगर मानना ये भी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, लेकिन क्या आपकी योजना ऐसा कोई कंफ्यूजन है बीच में, तो सरकारी में पढ़ाई होगी प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी होगी? ये एक मुझे लगता है कि मिथ है एक तरह का। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स ही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी ऐसे कई सारे मॉडल स्कूल्स हैं जो कि जिनके